लोकतंत्र के सिरमौर, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, संस्कृति मूलक समृद्धि के, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के और इस देश के 140 करोड़ लोगों के जो अभिभावक हैं, पहली बार हम भारत के किसी प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुन रहे हैं और उसको जीते हुए देख रहे हैं जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता और पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। जब वो कहते हैं कि मैं किसी जात पात में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए एक गरीब जाति, एक स्त्री जाति, एक युवा जाति है, एक कृषक जाति है और मैं इन सबको उभारता हुआ भारत को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं और जो विकसित भारत का सपना दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहां पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसकी ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें, तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी, आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा, ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बहुतों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कितने लोग हैं जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी, जो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मोदी साहब को, लेकिन किसी की परवाह न किए बिना विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ भारत, एक नए भारत का वो जो निर्माण कर रहे हैं और उसमें उत्तराखंड, जहां के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े ही सहज सरल सिंगल विंडो, जितने भी यहां पर कॉरपोरेट्स आए हुए हैं उनके लिए सिंगल विंडो हमारे धामी जी हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। माने लॉ एंड ऑर्डर की बात और पीस के साथ प्रोस्पेरिटी के नए सोपान घड़ने की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, प्रदूषण मुक्त, एक बात ही सुंदर वातावरण। मैं तो जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज यहां आए हुए हैं मैं सबसे कहूंगा उद्योग धंधा यहां भी करना, बाहर भी करना, लेकिन जितने भी कॉरपोरेट हाउस हैं एक हाउस अपना उत्तराखंड में बना लेना, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इतना सुंदर यह उत्तराखंड है और इसमें समृद्धि के नए अवसर। वर्ल्ड का हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म उत्तराखंड, वर्ल्ड का स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेस्टिनेशन उत्तराखंड, जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड की बात हो रही है, हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म की बात हो या रिटायरमेंट के बाद, मैं पहले देखता था लोग कोई पुणे बसने जा रहा है, कोई बेंगलोर बसने जा रहा है, अब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है, इतनी अपरिमित संभावनाएं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है, हेल्थ से लेकर के एजुकेशन तक, कितने लोग यहां के अलग अलग स्कूलों में पढ़े, जितने भी कॉरपोरेट हाउस यहां पर आए हैं और जो नहीं आए, मैं तो सबसे कहूंगा सीएसआर फंड से जो पैसा है उसमें से एक स्कूल आप यहां जरूर बनाइए, इससे जहां तक जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ेंगे, कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए, यहां हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर, दो दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास मैं गए तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया, माने यहां के प्रकृति में अपरिमित जल जंगल जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है और
चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। इसके लिए हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पहले हम जाते थे चार धाम तो पूरा दिन लग जाया करता था एक धाम पहुंचने में ही। आज इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अभी देहरादून का एयरपोर्ट, अभी पंतनगर में भी एयरपोर्ट, हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, मेरे से कह रहे थे कि स्वामी जी अब हरिद्वार में भी एक एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है तो थोड़ी दिक्कत सी बात है। एक तो हम श्रद्धेय मोदी जी से कहेंगे कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए, हमको भी रात को कई बार 10-12, 11-12 बजे आना होता है तो स्पेशल परमिशन से लेनी पड़ती है। तो ये जितने भी बड़े उद्योग हैं उनको आगे पीछे आना पड़े, तो बात कुछ किया है। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी ने आ उत्तराखंड छे, ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उत्तराखंड को से बहुत कुछ पाया है, बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही बड़ा, आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है यहाँ पर, संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं आश्वस्त हूँ यहाँ समृद्धि के संस्कारों के अपने सनातन ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो नए शिखर घड़े जाएंगे उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहाँ पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5-10, 20-25 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए यहाँ, मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूँ कि 30 सालों में एक तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे यहाँ के स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।